एसोसिएट एडिटर रोहतक से प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखिए कांग्रेस तो अभी से उत्साह में आगे खुशी मनाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि तस्वीरें लगातार निकल के सामने आ रही है और कांग्रेस का भी यही कहना है कि हम भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। बहरहाल अभी एग्जिट पोल के हिसाब से अगर बात करें तो देखिए बिल्कुल एक बड़ा मुकाबला और उसके बाद मतगणना का दिन है और मतगणना के लिए व्यापक तैयारियां पर मतगणना के लिए केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, इसमें जो मतदान के बाद मतगणना का दिन है इसके लिए व्यापक तैयारियां सुबह 8 बजे से जो गिनती शुरू होने वाली है, सबसे पहले बैलेट पेपर को लेकर उसके बाद जो गिनती होनी है वो होनी है ईवीएम के मत पत्रों की, लेकिन सबसे पहले शुरुआत होगी डाक मत पत्रों की जो काफी अहम रहने वाले हैं। और चुनावी रणनीति के लिहाज से अगर देखें जिस तरीके से वार पलटवार रहे हैं कि परीक्षा का दिन है, आज जो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं 93 है कुल मिलाकर 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 22 जिलों में 7 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। वास्तवपुर के अलावा गुरुग्राम पटोली में 2-2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में 1-1 मतगणना केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो जिस तरीके से पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है 90 मतगणना के लिए क्षेत्रों पर केंद्रीय ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि जो सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 30 कंपनियां लगाई गई है, इनको 30 सुरक्षा घेरे में रखा गया है, इसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके बाद राज्य आप और सबसे बाहरी दायरों में जिला पुलिस और जवान तैनात किए गए हैं। प्रदेश भर में जो मतगणना केंद्रों पर करीब 12,000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि 100 मीटर की परिधि में पर्याप्त संख्या में नाके लगाए गए हैं। मतगणना के केंद्र पर जो 90 स्ट्रॉन्ग रूम है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। तो पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारी की है और इसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो चुनाव के बाद जो 5 अक्टूबर का दिन था हरियाणा में चुनावी मतदान का दिन, उसके बाद आज मतगणना का दिन है, एक चुनावी रिजल्ट आना है और इससे पहले हलचल मची हुई है, बड़ी हुई है और इसीलिए अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस काफी उत्साहित है क्योंकि जो एग्जिट पोल के निशान आए हैं उससे कांग्रेस को यहाँ पर सरकार बनते हुए नजर आ रही है। और बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप बिल्कुल बिल्कुल आप बने रहिए, आगे भी जानकारी